हेलो स्टूडेंट्स, हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक है टाइम। टाइम क्या होता है, वॉच कैसे देखते हैं हम और कैसे हम कोई भी टाइम को कैलकुलेट करते हैं, ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे। हम डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स को यूज़ करते हैं टाइम को मेज़र करने के लिए। तो सबसे बड़ी जो बेसिक यूनिट होती है हमारी टाइम की, वो होती है सेकेंड। और आपको पता होना चाहिए 1 मिनट में हमारे होते हैं 60 सेकेंड्स। 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स, ठीक है। इसके बाद 1 आवर आता है हमारा, आवर मीन्स घंटा। 1 घंटे में हमारी होती है 60 मिनट्स। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे होते हैं हमारे डेज, वीक, लेकिन हमें मेनली ये 3 याद रखने हैं। 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स, एंड 1 डे इक्वल टू 24 आवर। ये मेन हमें जो 3 हैं वो याद रखने हैं, ठीक है। इनसे हम अपना पूरा क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए कैसे होता है ये। देखिए, ये एक हमारी वॉच है, इसमें हमारी आपको 3 सुई दिख रही होंगी, एक ये छोटी वाली, एक ये बड़ी और एक ये जो चल रही है। तो देखिए, जो जो छोटी हमारी सुई होती है इसे बोलते हैं हम आवर हैंड, मतलब घंटे की सुई जो हमें आवर बताती है। ये वाली जो सुई हमारी लॉन्ग वाली सुई है, ये होती है हमारी मिनट हैंड, ये हमें मिनट बताती है। आवर हैंड हमें घंटा बताती है कि कितने आवर्स हुए हैं, मिनट हैंड हमें बताती है कितने मिनट्स हुए हैं। और ये हमारी सेकंड की सुई, सेकंड की सुई हमें बताती है कि हमें कितना सेकंड्स हो गए हैं। तो हम 3 हमारी यूज़ करते हैं, 3 हैंड होते हैं हमारे, आवर हैंड, मिनट हैंड एंड सेकंड हैंड, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम, देखिए आप यहाँ देख रहे होंगे वॉच में 12 से स्टार्ट है, 1 2 3, और हम घूम कर आते हैं 12 तक। वॉच में जो 1 2 3 लिखे हैं, ये 5 5 मिनट के डिफरेंस पर होता है। जैसे आपको 5 की टेबल लर्न होती है, तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं 5 पे। 5, 2 का मतलब होता है 10, 3 का मतलब होता है 15, 4 का मतलब 20, इस तरह से हमारी 5 की टेबल 60 तक, यहाँ 12 पे कंप्लीट ख़त्म होती है, और 60 का मतलब होता है 00, 0 स्टार्ट हो जाता है यहाँ से हमारा, ठीक है। तो देखिए, अभी जैसे अब आप देख रहे होंगे हमारी वॉच में टाइम क्या हो रहा है, आवर हैंड हमारी 12 और 11 के बीच में है, और मिनट हैंड हमारी 5 पर है। तो 5 का मतलब 25 25 और उससे कुछ आगे ही है, 1 मिनट आगे है, तो इसका मतलब कितने हुए हैं, 26 मिनट हुए हैं। देखिए, अब हमारी जो सुई है ये हमारी 6 पर है, और ये हमारी 11 और 12 के बीच में है। जब हमारी मिनट हैंड 6 पर होती है तो हम लिखते हैं हाफ पास्ट। हम क्या लिखते हैं, हाफ पास्ट, HALF, हाफ पास्ट। और किसके बीच में हमारी, 11 12 के बीच में, तो हाफ पास्ट 11, ठीक है। जब हमारी 6 पर होती है तो हाफ पास्ट होता है। जब हमारी सुई मिनट हैंड हमारी 3 पर होती है तो हम क्या लिखते हैं, 15 मिनट पास्ट, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आते हैं आपके इस टाइप के क्वेश्चंस, जहाँ आपको बताना है कि टाइम क्या हुआ है। तो यहाँ पर जब आप ध्यान से देखेंगे, आपका आवर एंड है 2 और 3 के बीच में, और आपका मिनट एंड है 7 और 6। मैंने आपको बताया था ये 5 मिनट का होता है। तो देखो, यहाँ पे आपके 5 आपको डंडे दिख रहे हैं, 1 2 3 4 और 7 नंबर का हो गया आपका 5 5, ठीक है। तो अभी आपकी जो मिनट एंड है वो किस पर है, इस पर। तो 6 क्या होती है आपकी, 30। तो देखिए, 31 32 33, तो क्या हुआ आपका टाइम, 2 आवर 33 मिनट। और 2 आवर 33 मिनट को कैसे लिखते हैं, 2 आवर 2 बिंदु और 33, इस तरह से आपको ये टाइम लिखना है, ठीक है। इस तरह से आप इन सब में टाइम लिखेंगे। देखिए, जैसे इसमें टाइम लिखेंगे,
आपका आवर हैंड है 12 और 1 के बीच में, मिनट हैंड है 4 पर, 4 क्या होता है 5 10 15 20, 4 क्या होता है 20, तो आपका क्या टाइम हुआ है 12 आर 20 मिनट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन कर लोगे। इसके बाद देखिए आपको इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जहां आपको टाइम दिया हुआ है और आपको वॉच में हैंड बनाना है, मिनट हैंड और आवर हैंड बनाना है। तो देखो यहाँ 10 दिया हुआ है, तो 10 पर आप स्मॉल जो आपका हैंड होता है आवर हैंड वो 12 पर बना दोगे, और फिर उसके बाद 14 किस पे होता है 3 पर, हमारा 15 होता है, 3 पर 15 होता है तो जस्ट ऊपर 14 हो गया, तो यहाँ पर आप क्या बना दोगे मिनट हैंड। ये देखो बन गया आवर हैंड और मिनट हैंड हमारा बन गया। आपको सेकंड का हैंड नहीं बनाना है, सेकंड हैंड नहीं बनाना है, सिर्फ मिनट हैंड और आवर हैंड बनाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको क्वेश्चन क्लियर है। अब आपके क्वेश्चंस आते हैं कि आर को मिनट में कन्वर्ट कीजिए। जैसे आपको 4 आर दे दिया और 4 आर को आपको कन्वर्ट करना है मिनट में, 4 आर इक्वल टू हाउ मैनी मिनट्स। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि 1 आर में कितने मिनट होते हैं हमारे 60 मिनट्स। आपको ये याद रखना है 1 आर में कितने होते हैं 60 मिनट। तो 4 आर में कितने मिनट हो जाएंगे हमारे, 60 को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप, क्या आ जाएगा 6 4 जा 24, तो 240 मिनट्स आ गए आपके। ठीक है, आपको क्या करना है आवर को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करना है 60 से। ठीक है, और जैसे अगर आपको क्वेश्चन दिया है 8 आर 14 मिनट्स और इसको आपको मिनट्स में कन्वर्ट करने हैं, तो देखिए हमें पता है 1 आर में कितनी मिनट्स होती है 60, तो 8 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे 60 से, और जो ये मिनट दी हुई है इसको आप इसे ऐड कर देंगे 14 में, जो ये मल्टीप्लिकेशन आया इसमें आप 14 को ऐड कर देंगे। तो देखिए 8 6 जा 48, 480 प्लस में आप 14 करेंगे तो क्या आएगा 494 मिनट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है कि आपको आर से मिनट में कैसे कन्वर्ट करना है। हमें पता है 1 आर में 60 मिनट्स होती है, तो आप डायरेक्ट ही आर को 60 मिनट से मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे हमने यहाँ पर किया, और अगर कोई मिनट दे रखी है तो उसे हम ऐड कर देंगे हमारे मिनट्स में, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगर हमें मिनट्स दी हुई है उन्हें हमें सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे आपको दिया हुआ है 42 मिनट्स दिए हुए हैं आपको, और इन्हें आपको कन्वर्ट करने हैं सेकंड्स में। तो देखिए मैंने आपको मिनट का सेकंड में भी बताया था कि 1 मिनट में हमारे कितने होते हैं 60 सेकंड्स होते हैं, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड्स। ठीक है, तो 42 मिनट्स में कितने सेकंड्स होंगे हमारे, 60 को जब आप 42 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा आपका, सेकंड्स आ जाएंगे। ये आपके क्या आ गए सेकंड्स। आपको क्या करना है, नॉर्मली आपको मल्टीप्लाई कर देना है मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 मिनट से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे कि मान लीजिए आपको दिया हुआ हो 72 मिनट्स और इसको आपको कन्वर्ट करना है सेकंड्स में, तो आप क्या करेंगे मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, आप 60 से इसे मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आपका क्या आ गया सेकंड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक क्वेश्चन आता है आपका कुछ इस टाइप का। देखिए आपका एक क्वेश्चन कुछ ऐसा आता है 18 मिनट्स 6 सेकंड्स को आप सेकंड में कन्वर्ट कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन को आप सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपको पता है मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, आप इसे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और 6 सेकंड को एज इट इज
ऐड कर देंगे। तो आप जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 108 और जीरो आ गया, इधर 6 आप ऐड करेंगे तो 1086 सेकेंड, ये क्या आ गया आपका आंसर। ठीक है स्टूडेंट, आपको समझ में आया कि आर से मिनट में और मिनट से सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू कन्वर्ट सेकेंड्स इंटू मिनट्स। मान लीजिए आपको 770 सेकेंड्स दिए हैं और आपको इन्हें कन्वर्ट करना है मिनट में। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, तो आप इसका अपोजिट कीजिए 1 सेकेंड इक्वल टू 1/60 मिनट्स। इसका मतलब आपको क्या करना है, अब सेकेंड से मिनट में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करना है 1/60 से। 70 सेकेंड को मिनट्स में कैसे करेंगे, 770 को आप 60 से डिवाइड कर देंगे, तो जीरो से जीरो कट गई, अब कुछ नहीं कट रहा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 77/6। आप चाहें तो इसे पॉइंट्स में बना सकते हैं, 6 1 6, 6 2 12, 5 रिमाइंडर रह गया, 6 8 जा, तो 12.8 मिनट। और चाहें तो आप यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं 77/6 मिनट। इसी तरह से अगर मैं आगे आपको एक एग्जांपल और समझाऊं इसी टाइप के क्वेश्चंस का, तो देखिए 457 सेकेंड को कन्वर्ट कीजिए मिनट में। जब आप कन्वर्ट करेंगे तो हमें पता है 1 सेकेंड इक्वल टू 60 मिनट्स, सॉरी 1/60 मिनट, तो 457 सेकेंड कितना आ जाएगा, 457/60। आप इन्हें कट कर दीजिए, अगर कट नहीं होता तो आप डिवाइड कर दीजिए, जब आप डिवाइड करेंगे 457 को 60 से 42, तो क्या आ जाएगा आपका 7 मिनट, और ये नीचे क्या आया आपका 37 सेकेंड्स। ये जो ऊपर आया ये आपका मिनट हो गया, और जो ये नीचे रिमाइंडर बचा है ये आपके क्या हो गए, सेकेंड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ आया कि मिनट से सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब बात करते हैं कि मिनट से हम आवर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। कि अब हमारा क्वेश्चन है 280 मिनट्स को आर में कन्वर्ट कीजिए। मैंने आपको बताया था 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स, तो 1 मिनट इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1/60 आर। तो 280 मिनट को आप कैसे निकालेंगे, 280 को 60 से डिवाइड कर देंगे, ये हो गया। जब आप 28 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 4 रिमाइंडर आ गया, तो ऊपर वाला हो जाएगा क्वेश्चन आपका आर 4 आर 4 मिनट्स। ठीक है, मिनट को आर में कैसे कन्वर्ट किया हमने, हमने उसे डिवाइड कर दिया 60 से, डिवाइड 60 से करने के बाद जो क्वेश्चन आया वो आर, जो रिमाइंडर आया वो हमारी मिनट हो गई। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए आप एक क्वेश्चन और करते हैं, आप क्वेश्चन करते हैं 92 मिनट्स को आर में कन्वर्ट करेंगे, तो 92 को डिवाइड करेंगे 60 से, जब आप 92 को 60 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया आपका 1 आवर 32 मिनट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको टाइम समझ में आया कि हाउ टू कन्वर्ट मिनट्स इंटू आवर्स, सेकेंड इंटू मिनट्स, सेकेंड्स इंटू मिनट्स एंड मिनट इंटू आवर्स। तो आई होप आपको क्लियरली समझ आ गया हो। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक
थैंक यू तब तक के लिए।